हाय गाइस, वेलकम टू कास्ट क्लब इंडिया। वैसे वीडियो की टाइटल आप ऑलरेडी देख ही चुके हैं, सो बिना टाइम वेस्ट किए आज का रिव्यू स्टार्ट करते हैं। मेरे पास अगारो का एक डिजिटल टायर इन्फ्लेटर अवेलेबल है जिसका मैं डिटेल रिव्यू करने वाला हूँ। वैसे अगारो के और भी टायर इन्फ्लेटर्स और अदर कार एक्सेसरीज की रेंज अवेलेबल है जिसकी इन्फॉर्मेशन और परचेस लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और आपके कुछ भी क्वेरीज है प्रोडक्ट रिलेटेड तो उसके लिए मैंने सपोर्ट टीम की इन्फॉर्मेशन स्क्रीन पे और डिस्क्रिप्शन में दी है, सो फील फ्री टू रीच आउट। सो वीडियो में आगे इस डिजिटल टायर इन्फ्लेटर के फीचर्स, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन और परफॉर्मेंस का मैं रियल टाइम चेक करने वाला हूं और वीडियो के एंड में मैं आपको अपना फाइनल वर्डिक्ट बताऊंगा कि ये प्रोडक्ट कितना रिलायबल और वैल्यू फॉर मनी है। सो रिक्वेस्ट करता हूं वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए। सो एज यूजुअल स्टार्ट करते हैं क्विक अनबॉक्सिंग से। तो अनबॉक्स करने से पहले एक्सटर्नल पैकेजिंग देख लेते हैं। ऐसा बॉक्स मिलेगा आपको, सिंपल सा पैकेजिंग रखा है कंपनी ने। फ्रंट साइड में कंपनी का ब्रांडिंग देखने मिलेगा और जो एक्चुअल टायर इन्फ्लेटर है उसका इमेज रिप्रेजेंटेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। 120 वाट्स का ये टोटल पावर कंज्यूम करेगा और इस प्रोडक्ट के ऊपर आपको मिलती है 12 मंथ्स की रिपेयर या रिप्लेसमेंट वारंटी फ्रॉम डेट ऑफ परचेस। यहाँ पे कुछ की फीचर लिस्ट किए कंपनी ने। ये टायर इन्फ्लेटर आपको एक इनबिल्ट हाई प्रिसीजन डिजिटल प्रेशर गेज ऑफर करता है। तो जैसे ही आपने इन्फ्लेटर को टायर से कनेक्ट किया तो जो करंट प्रेशर है वो ऑटोमेटिकली रीड करेगा और उसकी रीडिंग्स आपको यहाँ पे डिस्प्ले पे दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये बहुत ही हैंडी है। इसमें आपको एक इनबिल्ट LED लाइट भी मिल जाएगा जो मल्टी फंक्शन है। अगर आप किसी डार्क सिचुएशन में टायर को इन्फ्लेट करना चाहते हैं तो काफ़ी यूजफुल रहेगा। और कभी ब्रेक डाउन में अगर किसी को आपको वार्न करना है आने वाले कमीटर्स को तो इसमें आपको एक रेड कलर का फ्लैशर भी मिल जाएगा, तो वो भी काफ़ी सेफ और हैंडी रहेगा आपके लिए। और कुछ फीचर्स हैं जो कंपनी ने यहाँ पे लिस्ट किए हैं। क्विक इन्फ्लेशन आपको मिल जाता है, 35 लीटर पर मिनट का इसका रेशियो है तो काफ़ी क्विक रहेगा। थर्मोप्लास्टिक कवर भी मिलता है आपको वॉल्व के ऊपर और यहाँ पे ऑटो कट ऑफ का फीचर भी आपको कंपनी ऑफर करती है जो मैक्सिमम सेफ्टी अश्योरेंस देता है आपको। जो आपने प्रेशर सेट किया है उस पे रीच होते ही ऑटोमेटिकली टायर इन्फ्लेटर बंद हो जाएगा और यहाँ पे आपको एक इनबिल्ट LED लाइट मिल जाएगी जो मल्टीपर्पज़ है। उसका यूज़ हम एक्चुअल डेमो में देख लेंगे, तो जल्दी से इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। तो बॉक्स ओपन करते ही आपको कंपनी की तरफ से एक थैंक यू नोट देखने मिलेगा और उसी के ऊपर कंपनी की कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी मेंशन है। तो आपके कुछ भी क्वेरीज हो, सेल्स, टेक्निकल सपोर्ट या वारंटी क्लेम रिलेटेड, तो आप इनको फ़ोन से या ईमेल से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और आपको यहाँ पे कंपनी एक रिवॉर्ड भी ऑफर करती है अगर आपने ये प्रोडक्ट किसी भी ई कॉमर्स साइट से या ऑफलाइन परचेस किया और परचेस करने के बाद विद इन 7 डेज अगर आप इसका ऑनलाइन रिव्यू पोस्ट करते हैं तो कंपनी आपको एज अ रिवॉर्ड 200 रुपये का पेटीएम वाउचर ऑफर करती है। तो उसको क्लेम करने की इंस्ट्रक्शन यहाँ पे मेंशन है, आपको व्हाट्सएप नंबर भी देखने मिल जाएगा, तो आप इसको विदिन 7 डेज क्लेम कर सकते हैं। तो ये अच्छा गेस्चर है कंपनी की तरफ से। तो टायर इन्फ्लेटर चेक करने से पहले बॉक्स के अंदर आपको क्या क्या एक्सेसरीज मिलती है वो चेक करते हैं। सबसे पहले आपको मिलेगा एक छोटा सा पाउच जो टायर इन्फ्लेटर को कैरी करने में काफ़ी हैंडी रहेगा। डिसेंट क्वालिटी का पाउच है तो आप आपके बूट स्पेस में या फिर सीट कवर के पाउच में इजीली इसको रख सकते हैं। एक अटैचमेंट मिलेगा आपको, जहां तक मुझे पता है इस इन्फ्लेटर के ऊपर आपको ऑलरेडी एक छोटा सा पाइप मिल जाता है जो आपके टायर में डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा। इनकेस कभी अगर लेंथ कम पड़ जाती है तो इस अटैचमेंट को यूज़ करके उसकी लेंथ आप एक्सटेंड कर सकते हैं। डिसेंट क्वालिटी आपको यहाँ पर भी मिल जाती है, दोनों तरफ आपको वॉल्व अटैचमेंट से एक टायर में जाएगा, दूसरा इन्फ्लेटर की वॉल में कनेक्ट हो जाएगा, तो इजीली लेंथ एक्सटेंड हो जाएगी। और कुछ अटैचमेंट्स मुझे यहां पे देखने मिल रहे हैं और कुछ पेपर वर्क है। जो अटैचमेंट्स है, आई गेस ये मल्टीपर्पज इन्फ्लेटर है, आप इसको वॉलीबॉल, फुटबॉल, जो स्पोर्ट एक्टिविटीज होती है उसको इन्फ्लेट करने के जो इक्विपमेंट्स होते हैं उसको यूज कर सकते हैं। टू व्हीलर का यहाँ पे मुझे अटैचमेंट दिख रहा है और दूसरा जो वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज में जो काम में आती है आपकी बहुत सारी एक्सेसरीज, उसको भी आप इजीली यहाँ पे इन्फ्लेट कर सकते हैं और पेपर वर्क आप इजीली इसको रेफर कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा कुछ मिलेगा नहीं आपको, डायरेक्टली अभी देखते हैं टायर इन्फ्लेटर कैसे मिलता है। तो ये है अगारो का डिजिटल टायर इन्फ्लेटर। अगर मैं फर्स्ट इंप्रेशन की बात करूं तो डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी काफ़ी स्टर्डी और प्रीमियम फील होता है। फ्रंट साइड में आपको छोटा सा डिजिटल डिस्प्ले मिलेगा जिसके ऊपर टायर प्रेशर की रीडिंग्स और जो मूड की इन्फॉर्मेशन है डिस्प्ले होगी। फिजिकल कंट्रोल्स मिलेंगे आपको, प्लस और माइनस से टायर का प्रेशर आप इजीली एडजस्ट कर सकते हैं और एम बटन से जो इनबिल्ट मोड्स है बार, PSI, उसमें इजीली टॉगल कर सकते हैं। पावर बटन मिलेगा और यहाँ पर जो लाइट का सिंबल है ये बटन आप ये
एलईडी लाइट को ऑपरेट करने के लिए यूज कर सकते हैं। इनबिल्ट एलईडी लाइट मिलेगी आपको अलग अलग मोड के साथ। तो जो मोड से हम एक्चुअल डेमो में चेक करेंगे, इस साइड में वेंटिलेशन के लिए स्लॉट दिए तो हीट इजीली सर्कुलेट हो जाएगा, और बॉटम साइड में आपको रबर पैडिंग्स मिलेगी जो इसका वाइब्रेशन रिड्यूस करेगी और इसको प्रॉपर ग्रिप देगी ऑपरेट करते टाइम पे। ऊपर के साइड में आपको एक स्लॉट दिखाई देगा, इसके अंदर 3 मीटर लंबी पावर कॉर्ड इंटीग्रेटेड है नीटली, बिल्कुल मेस नहीं मिलेगा आपको, और जो अटैचमेंट है वॉल्व का वो भी इसी के अंदर आपको मिल जाएगा, तो आप इसको इजीली कैरी कर सकते हैं विदाउट एनी हैसल। बॉटम साइड में आपको कुछ मिलता नहीं है, इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपको अगेन। तो ये था अनबॉक्सिंग। तो अभी जल्दी से इस इन्वर्टर को प्लग इन करके इसका परफॉर्मेंस हम चेक करेंगे। वैसे इसको ऑपरेट करना बहुत ही सिंपल है, बस प्लग इन कर दीजिए, इग्निशन या इंजन को ऑन रखिए, और जिस भी टायर में आपको इन्फ्लेट करना है उसे इसको कनेक्ट कर दीजिए, डिजायर टायर प्रेशर आपको सेट करना है और पावर बटन ऑन कर देना है। अपने आप ही क्विकली टायर को इन्फ्लेट कर देगा, और इसमें आपको सेफ्टी के लिए ऑटो कट ऑफ का फीचर मिल जाता है, तो जैसे प्रेशर रीच हो जाएगा ऑटोमेटिकली ये बंद भी हो जाएगा। तो रियल टाइम में ये कैसे इन्फ्लेट करता है, कितना टाइम लगता है, नॉइज लेवल, वाइब्रेशंस कितना है, उसका मैं आपको क्विक डेमो देने वाला हूं। तो जल्दी से इसको स्टार्ट करते हैं। तो इन्फ्लेटर को मैंने पावर सोर्स से कनेक्ट किया है, और कार की बैटरी के ऊपर एडिशनल लोड अवॉइड करने के लिए इंजन को ऑन रखा है मैंने, ताकि इसको कांस्टेंट पावर सप्लाई मिले। यही रिकमेंडेड रहेगा, जब भी आप इसको यूज़ करोगे तो इंजन को ऑन रखिए। अभी आपको स्क्रीन के ऊपर सारे 0-0 रीडिंग दिखते होंगे, क्योंकि अभी तक मैंने इन्फ्लेटर को कनेक्ट नहीं किया है वॉल्व से। और अभी ये जो मेरा टायर प्रोफाइल है 185/65 R15, इसको मैंने पूरी तरह से डिफ्लेट कर दिया है, आपको दिखता होगा फ्लैट टायर। तो इसको 0 से 32 PSI जो नॉर्मल रिकमेंडेड प्रेशर होता है उसको इन्फ्लेट करने के लिए कितना टाइम ड्यूरेशन लगेगा, इसका नॉइज कितना रहेगा उसको भी हम चेक करेंगे, और एग्जैक्टली कितना ड्यूरेशन लगेगा इस फोन के ऊपर मैं इसका टाइमर लगा दूंगा, अनकट वीडियो रहेगी तो आप देख सकते हैं। तो जल्दी से इस इन्वर्टर को कनेक्ट करते हैं, फिर इसको ऑपरेट कैसे करते हैं दिखा देता हूं मैं आपको। अभी यहाँ पे जो आपको फर्स्ट यहाँ पे नंबर्स दिख रहे हैं 30, ये प्रेशर के नंबर्स हैं, आप जो डिज़ायर सेट करना चाहते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट ये 30 PSI पे है, 30 PSI पे। और जो दूसरा है यहाँ पे टायर का करंट प्रेशर दिखाएगा इन्फ्लेट होते टाइम पे या कनेक्ट करते टाइम पे, तो आपको अगर कभी चेक करना है तो आप कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको 32 पे सेट कर देता हूँ, तो 32 पे सेट कर दिया है। अभी इसको ऑपरेट करने के लिए आपको बस ये पावर बटन एक बार प्रेस करना है, ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा, और 32 रीच होते ही यहाँ पे आपको दिख जाएगा ये ऑटोमेटिकली ऑटो कट ऑफ से बंद हो जाएगा, तो ये सेफ्टी फीचर है इसमें। तो मैं इसका टाइमर पहले ऑन कर देता हूँ, और अभी तो आप देख सकते हैं जैसे ही 32 PSI रीच हो गया, ऑटोमेटिक ये जो इन्फ्लेटर है बंद हो चुका है, टायर पूरी तरह से इन्फ्लेट हो चुका है। सॉरी, मैं टाइमर ऑफ करना भूल गया। तो ये था परफॉर्मेंस चेक अगारो के डिजिटल टायर इन्फ्लेटर का, एक 185/65 R15 टायर प्रोफाइल 0 से 32 PSI इन्फ्लेट करने के लिए इसे 6 मिनट 10 सेकंड का टाइम लगा है, जो कि कम्प्लीटली एक्सेप्टेबल है इस कॉम्पैक्ट साइज इन्फ्लेटर से। तो अभी बात करते हैं फाइनल वर्डिक्ट के बारे में, कुछ प्रोज एंड कॉन्स मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस से नोट डाउन किए हैं जो हम डिस्कस करेंगे। पहले बात करते हैं नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में। तो हॉनेस्टली इसका साइज, फीचर्स और जो ओवरऑल परफॉर्मेंस आपको इस प्राइस पॉइंट पे मिलता है उसे कंसिडर करने के बाद एज सच मुझे कोई मेजर ड्रॉबैक या डाउनसाइड लगा नहीं है, लेकिन स्टिल इसका जो इन्फ्लेशन टाइम है वो और थोड़ा बेटर हो सकता था। बाकी पॉजिटिव पॉइंट्स की आपको एक लंबी लिस्ट मिल जाएगी, कॉम्पैक्ट साइज है, लाइट वेट है, अट्रैक्टिव डिज़ाइन और स्टर्डी बिल्ड क्वालिटी आपको मिल जाती है। जो इसकी 3 मीटर लंबी पावर कॉर्ड जो होज पाइप है टॉप सेक्शन में नीटली इंटीग्रेटेड है, तो आप इसको इजीली कैरी कर सकते हैं विदाउट एनी हैसल। बॉटम साइड में और बैक साइड में आपको रबर पैडिंग मिल जाती है जो वाइब्रेशन रिड्यूस करने में आपकी काफ़ी हेल्प करेगी, और जो वेंटिलेशन है हीट मैनेज करने के लिए वो भी प्रॉपरली दिया गया है। फ्रंट साइड में आपको एक छोटा सा डिजिटल डिस्प्ले फिजिकल कंट्रोल के साथ मिल जाएगा जो इसे और भी यूजर फ्रेंडली देगा। अप टू 150 PSI तक का मैसिव इन्फ्लेशन सपोर्ट करता है ये, और सबसे जो बेस्ट पार्ट है इस इन्फ्लेटर का वो है नॉइज लेवल, वाइब्रेशन और जो हीट है एकदम कंट्रोल्ड है। आपने देखा था जब मैं इन्फ्लेट कर रहा था इसका मूवमेंट एकदम जीरो था, तो मुझे वाइब्रेशन प्रूफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो इन्फ्लेशन टाइम है वो भी आपने देखा था कि जो टायर प्रोफाइल साइज है उसे कंसिडर करने के बाद बिल्कुल एक्सेप्टेबल है।
और नॉइज लेवल की अगर मैं बात करूं तो वो सरप्राइजिंगली बहुत ही लो है। डेसिबल मीटर की रीडिंग्स आपने खुद देखे थे फोन की स्क्रीन पे, मैक्सिमम रीच 75 डेसिबल था जो कि अगेन एक्सेप्टेबल है। तो इतने सारे प्रोज और एक ही कॉन जो कि बहुत सारे यूजर को बॉदर भी नहीं करेगा, उसे कंसिडर करने के बाद ये जो इन्फ्लेटर है एक वर्थ इन्वेस्टमेंट रहेगा। तो आप इसको कॉन्फिडेंटली बाय कर सकते हैं। अगेन इसके और जो अदर अगारो के प्रोडक्ट्स हैं उनके परचेस लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो कॉन्फिडेंटली आप इसको बाय कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही गाइज, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सबसे इंपॉर्टेंट कास्ट क्लब इंडिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन इनेबल कीजिए ताकि जो आने वाले वीडियोज़ है उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।